हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज हम कक्षा 12 का भूगोल का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखेंगे दोस्तों 2022-23। और दोस्तों ये पेपर जो है पूछा गया पेपर है, ये अभी पूछा है, कल हुआ था ये पेपर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। और जहाँ कहीं भी अभी भूगोल का पेपर बाकी है तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब ये किस जिले का पेपर है ये तो मुझे पता नहीं है। मैंने बोल रखा था कि भाई जो भी पेपर भेजते हैं तो ऊपर अपना नाम और अपना जिला लिखकर जरूर भेजिएगा। तो किसी भाई ने ये पेपर भेजा है, उस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। बट यानी PDF उन्होंने अच्छी नहीं बनाई है, साफ क्वालिटी में नहीं बनाई है। तो मैंने कहा कि भाई साफ क्वालिटी में बनाकर भेजो ताकि अच्छा दिखाई दे, ठीक है। अब क्या करें दोस्तों, आपको साफ नज़र नहीं आ रहा होगा देखो, पर कोशिश करना आप देखने के लिए। तो मैं तो सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि भाई इस जिले का पेपर हुआ है। अब मैं सभी को यहाँ पर सोल्व नहीं करा सकता दोस्तों, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाऊंगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसी आधार पर आपका पेपर भी आएगा। तो इस पेपर को आपको अंत तक जरूर देखना दोस्तों वीडियो को, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों ताकि सभी क्वेश्चन आपको यानी अच्छे से आ सके। और बाकी जो है भूगोल की वजह से आपकी बोर्ड परीक्षा में भी हेल्प मिलेगी। मैं राजस्थान के 33 जिलों के पेपर करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। चलो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्रमुख क्वेश्चन पूछे गए हैं। खंड एक के अंदर इस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों खंड एक के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है, जिसमें देख सकते हैं कि मानव भूगोल ए स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच प्रयत्नशील संबंधों का अध्ययन है, किसने दी थी। ये प्रमुख दे रखा है, आप देख सकते हैं। अब देखो दोस्तों ये आपको स्पेस नज़र नहीं आ रहा होगा, देखो भाई ने PDF ऐसे ही बनाई है, मैं देखो समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाई। आप देखेंगे इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेना दोस्तों। अब आपको दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति में ये पूछे गए कि रुको और जाओ संकल्पना खालिस्तान ने प्रस्तुत की, तो ग्रिफिथ चलन ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। आप देख सकते हैं जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वे स्थान जहाँ गमन करते हैं वो गंतव्य स्थान कहलाता है, ठीक है। गंतव्य स्थान आप देख सकते हैं ये प्रमुख, ठीक है। नहीं तो ये तीसरा पॉइंट आपके सामने दे रखा है, और ये भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। देखो दोस्तों थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो भाई ने पेपर ही ऐसे भेजा। देखो बस कक्षा 12 के अंदर पढ़ते हैं, इस प्रकार से पेपर नहीं भेजना चाहिए। मैंने कहा कि भाई यानी कि PDF बनाकर भेजो, साफ क्वालिटी में भेजो। अब देखो भाई आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, अब प्रश्न आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छी क्वालिटी में भेजो पेपर ताकि सभी को दिखाई दे अच्छा, ठीक है। अब मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको भी कैसे दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए मैं देखो कोशिश करिएगा दोस्तों देखने के लिए। तो ये प्रमुख क्वेश्चन पूछे गए पेपर आप देख सकते हैं, आपके पेपर में भी मिल सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के 33 जिले हैं तो 33 जिलों का पेपर यानी अलग अलग होता है, ठीक है। यानी भूगोल का अलग होता है, सभी का हिंदी का अलग होता है, अलग अलग जिलों का अलग अलग पेपर है, लेकिन परीक्षा एक ही होगी दोस्तों। बोर्ड परीक्षा में सभी का पेपर सेम आएगा, बट क्या है कि अर्धवार्षिक पेपर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये प्रमुख क्वेश्चन, ये अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर है। ये दोस्तों खंड में शुरू हो गया है पार्ट बी, और जिसमें 12 नंबर वाले क्वेश्चन है प्रमुख। देखो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, टोटल 12 है कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषता लिखो, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इंदिरा गांधी नहर का मानचित्र की सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। आप देख सकते हैं प्रमुख क्वेश्चन, और ये देखो दोस्तों बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, क्या करें।
खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। स्वेज नहर के सामरिक महत्व को समझाइए। बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं? तो ये प्रमुख क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा क्वालिटी में साफ नहीं है ये। और ये खंड दे है, खंड दे में देखो ये प्रमुख 6 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे हैं। अथवा में भी देर का सूती वस्त्र उद्योग के भारत के संदर्भ में व्याख्या करो। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है समझाइएगा। और इसके अथवा में देर का की निम्न में से किन 3 पर टिप्पणी लिखो, जैसे विश्व व्यापार संगठन है, व्यापार संतुलन है, आसियान है, ओपेक है। तो दोस्तों ये भूगोल का पेपर था। अब ये कि राजस्थान के किसी जिले का पेपर है दोस्तों, ऊपर लिखा नहीं भाई ने, अब भेजा है। ठीक है, तो देखा है आपने प्रमुख क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों पूरा का पूरा पेपर छपेगा। देखो पूरा पूरा तो मैं किसी पेपर में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे कह रहा हूँ कि यानी कोई कोई क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के 33 जिले, तो 33 जिलों का पेपर अलग अलग होता है। ठीक है, तो अलग अलग पेपर होता है, तो मैं ऐसे तो कह नहीं रहा हूँ कि भाई सभी पेपर मिल जाएंगे, यानी क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे दोस्तों। है जैसा का जैसा पेपर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बताना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।